हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चन के बारे में। हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, आप उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा आ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू स्टडी द रिलेशन बिशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन एक्स, ये एक्स है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, ये मतलब वाई से डिनोट करेंगे, एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड, रिजल्ट्स वर ऑब्टेंड। तो यानी कि ये डाटा पे पास गिवन है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू गिवन है। क्या कह रहा है, राइट डाउन द रिग्रेशन इक्वेशंस एंड एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इफ द एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इज RS 200। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, लेट एक्स रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन एंड वाई रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट। तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू आपके पास गिवन है मीन की, ठीक है, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू भी गिवेन है और आर की वैल्यू आपके पास गिवेन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे यहां से। ठीक, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई वाला निकालेंगे, एक्स की नीड नहीं पड़ेगी आपके पास, आपको वाई की नहीं पड़ेगी। तो बी वाई एक्स निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि आर की वैल्यू क्या गिवेन है और सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है। आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगा ऑफ एक्स ऑन वाई ऑन एक्स पे, ये आप पुटअप करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास, आ जाएगी वाई की इक्वेशन। अब यहाँ पे गिवन कुछ वैल्यू थी, ठीक है, कह रहा था टू फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट वेन द एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इज, मतलब 200 आपके पास गिवेन है, तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास गिवेन है, तो एक्स की वैल्यू आप पुट अप करोगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट पे यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था ये वैल्यू, ये क्या है आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द टू रिग्रेशन लाइन्स वर फाउंड टू बी दिस है, ठीक है, आई फाइंड द मीन वैल्यूज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपके पास दोनों इक्वेशन गिवेन है, आपसे कह रहा है कि कोरिलेशन बताओ और मीन बताओ। ठीक है, आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, फिर मैं सबट्रैक्ट कर दो, आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू है वही आपके आपका क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, एंड देन आप वाई की वैल्यू इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट अप करो चाहे सेकंड में, वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स बार और वाई बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, लेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन था, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, तो यहां से हम करेंगे एक्स का मतलब वाई वाला जो वैल्यूज थी, ठीक है, तो हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमारा ये लाइन हो जाएगा, और इसका हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा सेम दूसरा इक्वेशन से, हम क्या करेंगे वाई इसका कोएफिशिएंट निकाल लेंगे एक्स का। ठीक है, एक्स बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दोनों का जो कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम ये करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोरिलेशन के लिए, आर इक्वल टू रूट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, जिससे क्या होगा मेरे पास ये वैल्यू आर की आ जाएगी। उन्होंने क्या पूछा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा था आपसे और मीन पूछा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, यू आर गिवेन द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, अर्थमेटिक मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन है। कह रहा है इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.66 देन फाइंड, पहला पूछ रहा है द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, ये ठीक है। तो आपके पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यू गिवेन है, तो सिग्मा और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू भी गिवेन है, एंड अगेन आपके पास यानी कि आर की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपके पास गिवेन है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहे हैं, उन्होंने टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके पास टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये होगा, आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी, एंड अगेन क्या कह रहे हैं वो, एक्स की वैल्यू गिवेन है, वाई की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप इक्वेशन अप्लाई करोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, यहां बी की वैल्यू बी वाई की पुटअप करोगे और एक्स की वैल्यू पुटअप कर दोगे एक्स बार की। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और दोनों इक्वेशन अगर निकालना है तो आप ये भी पुटअप करो, ये दूसरा इक्वेशन पुटअप करो वाई ऑन एक्स का, तो आपके पास क्या होंगे, दोनों इक्वेशन आ जाएंगे। यहां से आपके पास एक्स वाला इक्वेशन आ जाएगा, एंड थर्ड क्या था क्वेश्चन उसने पूछ रहा था आपसे सेकंड वाले में, द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 मतलब जो आपके पास वाई वाला इक्वेशन आया था उसमें 10 की एक्स इक्वल टू 10 पुट अप करोगे, वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिवन द फॉलोइंग डाटा व्हाट विल बी द
पॉसिबल इल्ड वेन द रेनफॉल इज 29, ठीक है, ये मीन है और ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली गिवन है, तो 25 यानी कि 40 यूनिट्स पर पर एक एक्रॉस, ठीक है, एरिया पे और 3 क्या है 36 यूनिट पर एक्रॉस, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड प्रोडक्शन इज 0.8 है, तो अब लेट एक्स रिप्रेजेंट द रेनफॉल एंड वाई रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन, ठीक है, तो आपके पास ये सारी वैल्यू मतलब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू गिवन है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लोगे, ठीक है, ये भी आपके पास गिवन है 0.8, ठीक है, आइए रहा है कि आप मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लोगे बी वाई एक्स, ठीक है, बी वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, आप इक्वेशन मतलब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन, ठीक है, एक्स ये आप पुटअप करोगे, ये आपके पास इक्वेशन अप्लाई करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन मिलेगा वाई के टर्म में, यहां से आपको y के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, एंड क्या बोला था टू फाइंड द इल्ड व्हेन द रेनफॉल इज 29 पुट x इज इक्वल टू 29 इन द अबव इक्वेशन, ठीक है, जब आप पुट अप करो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 46.4 यूनिट्स पर एकर, ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि द फॉलोइंग डाटा रिलेट द रिलेट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन लैक ऑफ रूपीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग सेल्स इन करोड़ ऑफ रुपीज, ये एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये सेल्स का, कह रहा है एस्टिमेट द सेल्स करस्पॉन्डिंग टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ मतलब 3 लाख का है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आपके पास गिवन है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपके पास कह रहा है कि एस्टिमेट द सेल्स करस्पॉन्डिंग, ठीक है, आपको ये सारी वैल्यू बतानी है निकाल के, तो यानी कि एक्स और वाई बार की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, आप निकाल लोगे इनका समेशन करके, ठीक, अब ये समेशन कैसे होगा, यानी कि आप स्टार्ट ये अब जो होगा यानी कि आप को ग्राफ ऐसा सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको वो सेम वैसे ही बनेगा, आप यहां से, ठीक है, जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी वाई एक्स, ठीक है, आप बी वाई से बी वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने निकालना फाइंड आउट किया, ठीक है, ये बी वाई एक्स से एक्स बार वाई बार निकाल लेंगे, ये पूरा ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, पहले से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा एक्स और वाई बार निकाल के, ठीक है, तो आपको क्या करना है ये इक्वेशन अप्लाई करोगे वाई वाला, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एंड देन क्या बोलना है टू फाइंड द सेल्स व्हेन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 30 लाख है, तो पुट एक्स इक्वल टू 30, तो वाई की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी यानी कि सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 34.34 करोड़, ठीक है, यहां तक ये यानी कि 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि टोटल मैंने पहली वीडियो अपलोड किए 5 क्वेश्चन, ये सेकंड वीडियो है ये भी क्या 5 क्वेश्चन की है, आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, थैंक यू।